अंबाला के नगर निगम चुनावों के प्रचार के बीच बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, जहां नैनियोला मार्केट बोर्ड के एक्स चेयरमैन अवतार सिंह और जनकराज शर्मा ने पार्टी को अलविदा कह दिया। अवतार सिंह और जनकराज शर्मा ने पार्टी पर भ्रष्टाचारियों को पनाह देने के साथ साथ ईमानदार कार्यकर्ताओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने बीजेपी को छोड़ हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का दामन थाम लिया है। कारण तो ये जी, वहाँ पर हमारी बुक्कत नहीं हुई, हमको पूछा नहीं गया, चेयरमैन बना दिए, ठप्पा लगा के बैठा दिए, जैसे कहीं बूथ को खड़ा कर देते हैं। तो कोई अभी हमें कभी भी कोई प्रोग्राम होया ना जी, हम चेयरमैन मंडी के चेयरमैन, मंडी में प्रोग्राम हो रहा, हमारे को एमएलए साहब ने कभी ये नहीं किया फ़ोन करके भी, चेयरमैन साहब हम मंडी में आ रहे हैं, आप कहाँ हैं? आते थे, चले जाते थे, आते चलो जी, जैसे जैसे चलता रहा तो फिर टाइम पूरा हो गया जी। फिर हम किसान के बेटे हैं जी, किसान छोटे छोटे जिम्मेदार हैं, और इसी ये तो हम मुद्दा उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे जिम्मेदारों के बारे में जी। मैं मार्केट कमेटी नियोला से चेयरमैन था और मैं किसान का बेटा हूं, और इससे पहले मैं आंदोलन में चल रहा हूं, अब दिल्ली से ही कुछ करके आया हूं। मैं इसी उसकी नीतियाँ देख कर किसान का बेटा होने के कारण मैं ये पार्टी छोड़ रहा हूँ।